सब कलिया कुलिया हो गईया साडे व्याह दी कुड़े तैयारिया सब कलिया कुलिया हो गईया साडे व्याह दी कुड़े तैयारिया वेरी फेमस वेरी टैलेंटेड वेरी हैंडसम एंड सुपर सिंग बहुत फिलोसफर हो गया शराबी मैनू होर ना पढ़ाओ मैं हो गया शराबी मैं हो गया टल्ली कुड़िया च कल्ली नचदी नजर ओ आवे मैं हो गया टल्ली कुड़िया च कल्ली नचदी नजर मैनू आवे आपको रोटी बनानी आती है बनाते हैं मुझे रोटी बनानी आती है चावल आते हैं दाल भी आती है जो मैं चाय बनाता हूँ वो ऐसी चाय कोई नहीं बना सकता मैं न्यूज रूम में आया हूँ तैयारी करके आया हूँ वीरवार दिन ना परहेज करदा यारा बेलिया दे बिना नहीं हो सकदा वीरवार दिन ना परहेज करदा सब दो कुड़िया कठिया हो गया नहीं ते ताड़िया तोड़िया शुरू हो गया जब हम डांस फ्लोर पे नाचते थे तो हम ऐसे सोच के जाते थे कि सब सबसे ज्यादा टाइम किसके पैर ऐसे ऐसे हम ऐसे सोच के जाते थे कि सब सबसे ज्यादा टाइम किसके पैर ऐसे ऐसे जिदा नाम मोहब्बत इंडियन न्यूज का स्टूडियो इस वक्त पूरी तरह से पावरफुल हो चुका है म्यूजिकल हो चुका है जाहिर है क्योंकि हमारे स्टूडियो आ पहुंचे हैं तो वेरी पावरफुल कपल एंड सुपर कपल हाँ क्योंकि अब जिस अटायर में आप उनको 16 जून को देखने वाले हैं इससे पहले आपने उन्हें कहीं नहीं देखा होगा मैं स्वागत कर रही हूँ वेरी फेमस वेरी टैलेंटेड वेरी हैंडसम एंड सुपर सिंह आ चुके दिलजीत का दिलजीत वेलकम टू इंडियन थैंक यू सो मच मैम आपने बहुत ही सुपर तरीके से शुरुआत की है थैंक यू सो मच और जैसे आपने बोला कि आपको ट्रेलर पसंद है ये पहले बोला जब शुरू होने से पहले मुझे ट्रेलर बहुत पसंद है तो सब सब पैकेज है ट्रेलर में भी और फिल्म में भी है जो पंजाबी है नॉन पंजाबी से वो भी देखते हैं हमारी फिल्म 16 जून को सोनम आपका भी स्वागत करती हूँ क्योंकि अब सिर्फ सोनम नहीं सुपर सोनम भी मैं आपको मिल सकती हूँ ट्रेलर हमने देखा बहुत मजा आया आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ है अब आप क्या कर रही हैं क्योंकि ये तो पावरफुल हो चुके हैं सुपरमैन हो चुके हैं सोनम क्या कर रही हैं मैं क्या करूँ फिल्म में मेरा जो रोल है उसका किरदार का नाम है चिंटू हम लोग फ्रेंड्स हैं बचपन से साथ में स्कूल में पढ़े हैं फिर हम कॉलेज भी साथ में जा रहे हैं सो देयर इज दैट फन केमिस्ट्री दैट वी शेयर कैसा होता है ना यंग पीपल आर फ्रेंडशिप में हंसी मजाक होती है मैं इनकी टांग भी खींची हूँ फिल्म में जिनको बोल रही हूँ कि तुमसे वो लड़की नहीं पटने वाली है सो वी हैव दैट वी हैव वेरी गुड केमिस्ट्री वेरी नाइस सीन्स इन द फिल्म तो मुझे बहुत मजा आया काम करके कुछ अलग मजा लगता है मैंने भी देखा कि बहुत एक नए तरह से हम इस फिल्म को देखेंगे ट्रीटमेंट जिस तरह से हुआ है लेकिन दिलजीत बहुत अच्छे हैं आप आपके गाने तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है आपकी एक्टिंग भी हम देख ली है बॉलीवुड में भी हमने देखा है लेकिन अब सुपरमैन इनफैक्ट सुपर सिंह तो ये कैसे हुआ कैसे लगा आपको कि नहीं अब बहुत हो गया अब ये अब तो बस और जो लोग सब दुनिया को बदल देना है नहीं ऐसा कुछ नहीं दुनिया जैसी है वैसी नहीं हाँ सब हॉलीवुड में भी है सुपर हीरोज बॉलीवुड में भी है सुपर हीरोज पंजाबी में कोई सुपर हीरो नहीं था इसलिए हमने सोचा कि पंजाब का अपना सुपर हीरो होना चाहिए सर पहला पंजाबी सुपर हीरो सुपर सिंह और जिस भी बंदा बंदे के साथ नाम के साथ सिंह रखता है और जो पगड़ी बांधता है वो सुपर सिंह लेकिन अगर सच में ऐसी पावर्स आ जाएं आपके पास और लगे कि नहीं अब मैं सुपर सिंह हो गया आप सुपर सिंह हैं लेकिन वो जो पावर्स होती हैं ऐसे गाड़ी उठा लेने की और बहुत सारी चीजें बचा लेने की तो सबसे पहले दिलजीत क्या करेंगे वो बहुत जिम्मेवारी वाला काम है
और इसके लिए आपको आपको कंट्रोल भी बहुत चाहिए। मैं इतना ना तो जिम्मेदार इंसान हूँ ना ही मेरा अपने आप पे इतना कंट्रोल है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी पावर मेरे उनके पास ना आए, वो तो कुछ खराब हो जाएगा। सो वो सेफ हाथों में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। और जब एक और बात, क्योंकि जब जब हम ट्रेलर देखते हैं फिल्मों के, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लगता है कि नहीं, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ये इस फिल्म में मैं देख रही हूँ कि जो ट्रेलर था उसमें आप कर सकते हैं, हाँ विश्वास कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से गाड़ी शायद दिलजीत उठा ले या फिर बाकी जिस पूरे अटायर में आप हैं, तो क्या कुछ इस तरह से ट्रेनिंग लिया है, कोई सुपर हीरोज की मूवी देखी या कुछ सुपरमैन, क्योंकि उन वो तो सब हॉलीवुड वाले हैं, पंजाब में आपने कहा कि आप पहले सुपरमैन है, तो कुछ इस पे रिसर्च वगैरह की और सुपरमैन को फॉलो? नहीं, हम सब शक्तिमान को पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारा सुपर हीरो है। और हस्बैंड में अमित शराब को कहते थे, घर भी जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन हम राम जी शक्तिमान को पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारा सुपर हीरो है और ये पंजाब का इतना सुपर हीरो है, तो किसी की नकल ना हो जाए इस चीज से मैं तो बचना चाहता था। मैंने किसी को नहीं देखा, वैसे मैंने फिल्में देखी है लेकिन इसमें रिसर्च नहीं की थी कि ऐसे करना है वैसे करना, तो इसमें अनुराग सिंह जो डायरेक्टर है उनका भी मैंने सबको नहीं देखा कि जैसा वो है वैसा ही सुपर हीरो बनकर भी वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सुपर हीरो बन गया तो अंदर सीरियस हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं, जैसा है वो वैसे ही। लेकिन स्वयं जब कभी हमारे दोस्त के पास ऐसी पावर्स आ जाती है तो हमको भी बहुत फायदा होता है, फिल्म में आपको भी आएगा बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन आप क्या चाहेंगे अगर आपके दोस्त के पास ऐसी पावर्स आ गई, तो फिर क्या क्या करना? इतने सारे काम करो हम भी कैसे, जैसे आपने देखा ना अभी हमारा गाना जो थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ था हवा उच, उसमें कितना बेनिफिट हुआ ना सुपर सिंह के साथ, मैं भी हवा में उड़ गई हूँ, तो कहाँ उड़ सकती हूँ, फिर वो जो वक्ता होता है पंजाब में उसको क्या बोलता हिंदी में, आई डोंट नो वक्ता होता है बंडे वाला बत्ता, तो उसको नहीं खोल सकते, मुझे बंडे वाला पता है तो वो खुलवा सकती हूँ। देखो घर पे कभी आप फंस गए, आपका काम करने का मन नहीं, तो आपने देखा उन्होंने झट से सारी मुझे घर रोटियां बनानी पड़ती, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी, मुझे वो भी नहीं करना पड़ा, तो बहुत सारे बेनिफिट। महिलाओं को तो और भी जल्दी देखनी चाहिए, तो वो रोटियां बना सकते हैं, बड़ी एक स्पेशल पावर है उसमें, बाकी सुपर हीरो में नहीं होती है। रोटियां कहाँ बनाते हैं आप लोग, देखें किसी को नहीं होती है, हमारे यहाँ देखिए तो प्लीज सुपर सिंगर सपोर्ट करें क्योंकि वो भी रोटियां बनाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हम सब कभी ना कभी हमको रोटी बनानी पड़ती है, तो हम तो यही चाह रहे हैं, हाँ मतलब अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो तो नहीं नहीं रोटी भी बनाती हूँ तो अगर ऐसे सुपर सिंह आ जाए तो वो, अच्छा आपको रोटी बनानी आती है? बनाते हैं, मुझे रोटी बनानी होती है, चावल आते हैं, दाल भी होती है, चाय भी अच्छी बनाता हूँ, एमबर भी अच्छा बना लेता हूँ, मैं सब सीखता रहता हूँ अपने मन से, जब भी घर जाता हूँ मैं कहीं करता हूँ एक डिश सीखूँ, ये ज्यादा बाहर रहता हूँ तो कई बार यूट्यूब पर जाती हूँ, तो मैं इस बार रिसेंटली मैंने गोभी की सब्जी मैंने बनाई थी, क्योंकि मैंने अभी दो तीन बार बनाऊंगा तो बनाते हैं गोभी की सब्जी। पहले तो आप जो प्याज होते हैं, टमाटर होते हैं, उनको अलग से पहले कर लिया, फिर उसको तड़का लगा के भून लिया, तो आप गोभी को बॉइल भी कर सकते हो, आप उसको फ्राई भी कर सकते हो, पहले अगर आपको फ्राई भी नहीं करनी होती तो फिर आप बॉइल करके उसमें डाल दो, फिर उसको कटाओ, फिर पूरी मार्च को उसको कटनी हो, फिर आप नमक मिर्ची तो सब चीज़ें होती है डाल देना, तो स्मेल आने लगती है अच्छी अच्छी और पक जाती है, थोड़ी ब्राउन हो जाती है, फिर आप देखते रहना आप भी कच्ची तो नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे अब उसको वो डक्का मटके से पकता से पक जाऊंगी। एक्चुअली एंड आज हम ये कह सकते हैं कि मैंने बनाई नहीं है, मैं न्यूज रूम में आया हूँ तैयारी करके आया हूँ। आज हम ये कह सकते हैं कि दिलजीत नासिर सिंगर बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड, इतने टैलेंटेड एक्टर हैं और साथ ही साथ खुद भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा नहीं हूँ, ये सीखता रहता हूँ और ट्राई करता हूँ, कई बार चीज अच्छी बनती है, कई बार नहीं बनती, लेकिन हाँ ट्राई करता रहता हूँ। इसको आप देख सब्जी भी बना सकते हो, उसमें आप पनीर डाल दो, क्या बात है, हाँ जी, और जो सब चीजें आपको पसंद है वो सब चीजें डालते रहो, तो फिर वो मिक्स सब्जी
और फिर मिक्स सब्जी को आप सैंडविच के अंदर लगा के सैंडविच भी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स वेजिटेबल सैंडविच। आपको क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, बहुत सारी जो लेडीज हैं वो सीखेंगे। जो मैं चाय बनाता हूँ मैंने ऐसी चाय कहीं नहीं बना सकती, मेरा पॉइंट था उसको सिखाई थी। एक मुझे बताइए ना, सब भी वैसी स्पेशल चाय इनको देखो हाथों में होती है चीज, एक जस होता है हाथों में जब मैं बनाता हूँ तो पता चलता है। लेकिन आप चाय बनाते हैं क्या बनाते हैं? चाय की पत्ती, इलायची, शक्कर, दूध, अगर सर्दियां हैं तो अदरक, लौंग भी। आपने अजवाइन डाली है? मुझे ना अजवाइन का फ्लेवर नहीं। आप चाय में डाल के ना अजवाइन, अजवाइन चाय में डालो और इलायची, इलायची तो बुरा ऐसा से और अजवाइन जरूर डालो और क्या बोलते हैं उसको सौंफ भी डालना चाहिए, इतना मजा आएगा ना चाय का आपके मुंह से उतरेगी नहीं। ये आज आपने प्रूफ कर दिया कि आप सच में सुपर सिंह हैं और बहुत सारे लोग अब इस चाय को ट्राई भी करने वाले हैं। ये चाय होगी दिलजीत स्पेशल चाय। अजवाइन होती है उससे आपका पेट भी ठीक होता है ना, जब आप पेट दुखता हो तो उसका पेट ठीक हो जाता है, तो इसलिए अजवाइन पता नहीं हिंदी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अकेले रहते हैं और वो खुद खाना बनाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैंने तो कोई और जो कुक भी होते हैं होटल्स में वो भी तो सब मर्द ही होते हैं ना, तो बॉयज प्राउड ऑफ यू गाइस वंडर वुमन ही रन कर रही है अभी तो उस वक्त, वो तो हम हमेशा से करेंगे। दो कुड़िया कठिया हो गया नहीं थे, ताड़िया तोड़िया शुरू हो गई, कलिया कुलिया भी शुरू हो गए। अच्छा एक फर्ज कीजिए कि सच में पावर्स आ गई आपके पास, फर्ज कीजिए कि आ गई अब तो मतलब क्या किया जाए, तो क्या करेंगे आप? मैं बहुत सारा खाऊंगा जी, बहुत खाऊंगा। नहीं नहीं बनाऊंगा नहीं, मैं तो कुक रखूंगा, चल बना भाई मैं खाऊंगा, मैं खाते रहूंगा खाते रहूंगा खाते, और जब जी करेगा मैं उस खाने को ऐसे फिनिश करके मैं कहूंगा ओके एब्स एब्स ओके थाइस काफ्स कहा है मेरे, तो ऐसे बस ना एक्सरसाइज करूं और खूब खाता रहूं बस ऐसे बॉडी बनती है। और मुझे लगता है फिर और अच्छे अच्छे गाने हमें आपसे सुनने को मिलेंगे। फिर मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने लिए गाऊंगा सुपर हीरो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे में कोई पावर है फिल्मों तक ही। मुझे लगता है बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ऐसे खूब अच्छा अच्छा खाना खाते रहें दिलजीत और फिर और अच्छे अच्छे गाने हमें सुनाते रहें। लेकिन दिलजीत हमेशा से मुझे लगता है कि इतने सारे हिट सॉन्ग्स आपने दिए हैं इंडस्ट्री को और कोई भी पार्टी आपके गानों के बिना बिल्कुल अधूरी है, आपसे अगर जानना चाहूंगी आपका फेवरेट गाना या आपका और आपका फेवरेट स्टेप, क्योंकि आपके गानों से सीधा कनेक्शन डांस का होता है, तो वो कौन सा गाना स्टेप? वैसे अभी तो मैं स्टेज पे नाचता हूँ, लेकिन नहीं अभी तो मैं वैसे तो मैं स्टेज पे नाचता हूँ, लेकिन जब हम डांस फ्लोर पे नाचते थे तो हम ऐसे सोच के जाते थे कि सबसे ज्यादा कौन किसके पैर ऐसे ऐसे से तो हमारा डांस करने का कम होता था, हम बोलते थे कि जाके जो शराबी नाचे थे पैरों में पैरों देते थे गाना, और गाना एक ही हम ज्यादातर लगवाते थे, मैं हो हो गया शराबी मैनू होर ना पढ़ाओ मैं हो गया शराबी हो गया शराब, तो एक्टिंग करता था मैं ऐसे शराबी की, वैसे मैं पीता नहीं, मैंने कभी शराब नहीं पी, तो मैं एक्टिंग करता था और लोग बोलते यार भाई स्कूल में यार वो बेचारा कर लेगा और ये बेचारा ऐसे है ना कंट्रोल होगा इससे। अच्छा आपके साथ कभी डांस किया ऐसे ये पैर मारने वाला कभी? थैंकफुली मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा आप बताइए आपको कौन सा सॉन्ग, अगर फिल्म की बात भी करें तो कोई फेवरेट सॉन्ग जो सबसे ज्यादा जो हवा विद सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी गाना शूट नहीं किया हार्नेस पहन के और हवा में उड़ गया, वहाँ पे कोरियोग्राफी और वहीं पे कोरियोग्राफी थोड़ा बहुत, सो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे उसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, दिलजीत और सुनील ने बहुत अच्छा गाया, तो वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। एक खास बात, क्योंकि आप
आपके जो गाने हैं वो सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, देश तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी वहाँ पे भी कहीं कनाडा में भी पार्टी होती होगी, सुपर सिंगर कनाडा में ही है तो वहाँ भी आपके गानों के बिना वो पार्टी नहीं हो सकती होगी। अगर आपसे पूछूं कि बॉलीवुड में ऐसे कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम करना चाहें, अनुष्का के साथ आपने काम कर लिया, आया करीना के साथ, आलिया के साथ भी फिल्म है आपकी, तो क्या आपको लगता है कि कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ अब काम करना है? मैं इनके साथ काम करने के भी लायक हूँ, तो मैं अगर अपनी खुद को विश लिस्ट बना लूँ और भगवान की वो जो चल रही है उसको खराब कर दूँ क्या फायदा, क्योंकि मेरी लिस्ट में तो ये लोग भी नहीं, इनसे मिलना बहुत बड़ी बात थी, तो जो लिस्ट भगवान ने बनाई हुई है मैं उस लिस्ट को खराब नहीं करना चाहता, जैसे चल रहा है वैसा। और जो मेरे एक्चुअली फैंस हैं ये सब उनकी वजह से मिल रही है, उनकी सपोर्ट है कि पंजाबी फिल्में चली, पंजाबी गाने चले, उनका बिजनेस हुआ तभी बॉलीवुड तक रात पहुँची और मैंने कनेक्ट कर रहे थे, तो एक्चुअली ये सब ले दे के जो है वो फैंस के साथ कनेक्ट करें, आप ही हो उस चीज के पीछे। और फैंस की आपने बात की है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में आपके बहुत खास फैंस भी आए हुए हैं और बहुत दूर से आए हुए हैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए, तो मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी यहाँ पर। और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, एक बार एक तो आप जो फैन है उन्होंने स्पेशली आपकी फिल्मों से पंजाबी सीखी है, तो आप लोग प्लीज आ जाइए। और आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं दिलजीत से? पंजाबी बोल लेना बस मैं खुदा हूँ, थैंक यू सो मच। इतनी सोनी दिलजीत से इतनी सोनी एक्टिंग किवे कर लेने, इतनी सोनी पंजाबी बोल लेना बस मैं खुदा हूँ, थैंक यू सो मच। इतनी सोनी पंजाबी मुंडे ने बोली, और जो तुसी पंजाबी फिल्मों के बारे तो सीखी है तो सब लोग बहुत महान लोग हैं, तो तुसी हमेशा खुश रहो, पंजाबी फिल्मों लोग को बहुत सपोर्ट करते रहे, थैंक यू सो मच। ऐसी थोड़ा कल कदे नहीं हो फिर से और हमारे साथ कुछ क्यूट लोग हैं, आप बताइए कोई सवाल दीजिए। तो मुझे आपसे एक पूरी गाना सुनना है। जिदा नाम मोहब्बत I'm sure ये गाने सुन के बहुत लोग आपकी आवाज में गुम हो जाते हैं, और क्योंकि दिलजीत आपके फैंस भी यही है और आपके, मैंने कहा ना गानों से सीधा कनेक्शन डांस का होता है, एक एक स्टेप जरूर हो जाए। सब कलियां कुलियां हो गईया, सादे यादी कुड़े तैयारियां, सब कलियां कुलियां हो गईया, सादे यादी कुड़े तैयारियां। दिलजीत आप भी प्लीज ज्वाइन कीजिए एक बार। बिल्कुल, तो 16 जून को देखिए सुपर सिंह और देखिए कि आखिर ये सुपर सिंह क्या कुछ कर जाते हैं, रोटियां भी बना लेते हैं, गाड़ी भी उठा लेते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे एक्शंस कैसे कर लेते हैं, पंजाब के अपने पहले सुपर हीरो। तो जाइए 16 जून को और एंजॉय कीजिए सुपर सिंह। थैंक यू सो मच इंडियन न्यूज से बात करने के लिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू।